पंजाबी आइकॉन अवार्ड्स, ये पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड जो मुंबई का है, लगातार 9वां साल है हम ये आयोजित करते हैं। यानी पंजाबियों ने पूरे विश्व के अंदर कीर्तिमान हासिल किए हैं, तो ऐसे चुने हुए जो पंजाबी कौम के हीरे हैं उनको हम इकट्ठा करके यहाँ पर बुलाते हैं, जो हमारी नई जनरेशन है उनको प्रेरणा देने के लिए। और इसी बहाने से बैसाखी मनाई जाती है, सिखों का, पंजाबियों का ये त्यौहार, नया साल। और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की थी और ये खुशी से हम सब मनाते हैं यहाँ पे। ओके, और आज किस-किस का अवार्ड मिलने वाला है, कुछ बताना? आज यहाँ पर हर एक फील्ड से हैं, लाइक इंडस्ट्री कैटेगरी से ओंकार कवर हैं, उसी तरह से जसपाल बिंद्रा जी, हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेट की कैप्टन रही हैं, विक्की कौशल जो फिल्मी सितारे हैं, इसी तरह से रणवीर ब्रार जो शेफ हैं, तो अलग अलग फील्ड से, जर्नलिज्म से सिमी चंडोक जो टाइम्स नाउ चैनल से हैं, हमने अलग अलग फील्ड से एक एक व्यक्ति को चुना है और मुझे लगता है इस कार्यक्रम की यही एक खूबसूरती है। कुछ नहीं, आज यहाँ इलेक्शन नहीं, आज यहाँ पर बैसाखी केवल मनाई जा रही है। जी, देखिए, अपनी बोली, अपनी कम्युनिटी जब अवार्ड देती है तब लगता है कि वाकई जो है लाइफ में कुछ अचीव किया है। अब जिम्मेदारियों का एहसास और बढ़ जाएगा और अच्छा लगता है, क्योंकि आए दिन आए अमूमन हर अवार्ड सेरेमनी में, फंक्शन में उपस्थिति होती है, लेकिन जब अपनी कम्युनिटी खासकर अवार्ड देती है तब ज़्यादा जो है उत्साहित आदमी महसूस करता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दी टीम एंड सपरा जी कि जिन्होंने मैनू जो है इस लायक समझे, तो बहुत बहुत चंगा लगता पे है। बैसाखी नहीं, सारा नू ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, वही घर परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करते थे, अब तो वो गलियां, वो मोहल्ले, वो चौराहा भी छूट गया और मुंबई आ गए, लेकिन याद आती है, रेवड़ियां खाया करते थे, फुल्ले खाया करते थे, पापड़ भी रोस्ट कर लिया करते थे, पकौड़े भी हो जाते थे, तो है बैसाखी की सारी यादें। फिर गुरुद्वारे जाके दर्शन किया करते थे, तो वो सब यादें हैं। तो अब एसोसिएशन जो है जुड़ गया है, तो लगता है कि पंजाब छूट गया है लेकिन पंजाबी नहीं छूटे। ज़रूर, क्यों नहीं, पंजाबियाँ दी मतलब ऑलवेज चार्ज अप, बैटरी चार्ज रहती है। यार मैं अभी देखिए, इट विल बी टू अर्ली फॉर मी, लेकिन एक वेब शो है जो मैं कर रहा हूँ, एक फिल्म है संजय मिश्रा के साथ वो एक कर रहा हूँ, प्लस रेडियो भी करता हूँ रेगुलर, इसमें तो हैं दो तीन चीज़ें, और किचन चैम्पियंस मैंने कल ही शूट किया है जो कलर्स पर आता है, सो आई जस्ट डिड वन एपिसोड फॉर देम एज अ गेस्ट अपीयरेंस, सो आई डिड दैट। तो बहुत कमाल करा, आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई कमाल करा। यार बिग बॉस के बाद में लंबी कंटिन्यूटी तो दो चार शोज में रही, नच बलिए भी रहा जहाँ मेरी बेटर हाफ वॉज विथ मी, और दो चार शोज रहे, लेकिन उस तरह का शो जो है, अमूमन क्या होता है ना, नॉन फिक्शन बनते कम है,
फिक्शन ज़्यादा बनते हैं और नॉन फिक्शन के फेसेस भी बहुत कम होते हैं, कि जो हर नॉन फिक्शन में हर किसी को नहीं लिया जा सकता, तो वो दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। अभी देखने वाले थोड़ा सा वाइडर ऑडियंस करें, वाइडर वो करें, तो शायद हम भी काम वाम करें और ज़्यादा। नहीं भाई, ये सब फालतू बातें हैं, कोई चूजी वूजी आदमी होता नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली आपके लिए फेवरेबल होता है। बिग बॉस मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल रहा, नच बलिए कम रहा, आईफा अवार्ड्स भी अच्छा रहा, फिर बॉक्स क्रिकेट लीग आई डिड विद सुमित व्यास। सो बहुत सारा काम किया है, लेकिन क्योंकि चर्चा में बिग बॉस ज़्यादा रहा, इसलिए लगता है कि हाँ टॉक ऑफ द टाउन शो रहा, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो बड़ी हसीन शाम है, खूबसूरत शाम है, और पंजाब का ये बहुत एक अहम त्यौहार है जो बैसाखी है, तो आज उसकी शाम है, और इसके बहुत ही गहरे संबंध हैं पंजाब के साथ। बैसाखी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और जब हम ये त्यौहार मनाते हैं तो बहुत सी यादें ताज़ा होती हैं। ये एक हमारी जो कौम है, सिख कौम है, उसका आईना है ये, तो बड़ा अच्छा त्यौहार, बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मेरे को एज ए चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया है। तो मैं सभी पंजाबियों का, सभी लोगों का इस मौके पे शुक्रिया भी करता हूँ, और ये भी कहता हूँ कि उन्होंने मेरे को याद किया, तो उनके जो मेरे बारे में जो सोच है, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शंस तो हैं ही हैं, सभी जुटे हुए हैं, सारा हिंदुस्तान आज इलेक्शन के मोड में है, तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसकी एक अपनी अहमियत है, ये इलेक्शन से मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। पहली सब तो पहला तो सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड बहुत खुशी की बात है सबरा साहब हमारे साथ हैं, एंड द हैंडसम मैन विक्की भाजी, सो वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग बैसाखी जो कि हमारे पंजाब की शान है, एंड थैंक्स टू सबरा साहब के हर साल ये इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं पंजाबी के लिए, और 13 तारीख को हमेशा किसानों की फसल कटती है और पंजाबियों का न्यू ईयर होता है।
पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा सबरा साहब को मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए। मैं एक्चुअली बचपन से यहाँ आया करता था, कई बार मैं मान साहब के परफॉर्मेंसेज यहाँ देखा करता था, और तो आज जब इस तरीके से आने का मौका मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सचमुच बैसाखी हम लोग के लिए बहुत स्पेशल होती है पंजाबियों के लिए, और पंजाबियों के बीच सेलिब्रेट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक यू सप्रा साहब फॉर हैव मेकिंग दिस हैपन। हाँ जी, बैसाखी हमेशा हमारे लिए बहुत शुभ अवसर होता है कभी भी कुछ अच्छा करने के। एकदम एक होता है कि चलो यार बैसाखी वाले दिन शुरुआत करेंगे उसकी, तो बहुत अच्छा एक माहौल होता है। पंजाब में भी इट्स अ वेरी वाइब्रेंट फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट, इट्स अ न्यू ईयर फॉर अस, तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग दैट वी हमें हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस हमें मानते हैं इसे और सेलिब्रेट करने में मानते हैं हम तो अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और वही सेलिब्रेशन होती है कि खुशियाँ बांटो और उसी में सेलिब्रेट हो जाते हैं। बाकी पंजाबी तो हर रोज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं कुछ ना कुछ रीज़न। वेल मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं फिर पंजाबी गाने गाऊंगा, और बहुत कम टाइम होता है आजकल, बॉलीवुड में हिंदी गाने बहुत आते हैं लेकिन पंजाबी तड़का तो चलते ही रहता है, तो आज फिर इन्जॉय करेंगे। एंड थैंक यू सप्रा साहब, थैंक यू। मोटे आंदे रख डांगा आंदे गप्परू, अधूड़ा पाउंदे गप्परू, बोली उत्ते बोली अज पौण गप्परू, नी दस जान गप्परू, पकड़े च मकरे बुलाउण गप्परू, रे बुलाउण गप्परू। क्या बात है, मैं मिक्का भाजी को सुनने वाला हूँ। मैं तो यहाँ आके मुझे लग रहा है मेरा तो हो गया, मैं तो वापस जाता हूँ। बट नो, आई बीन अ ह्यूज एडमायर मिक्का भाजी का, और पहली बार मैंने ऐसे सुना तो एकदम पाछे खिल गई जो पंजाबी में कहते हैं हमारे। बट थैंक यू फॉर डूइंग दिस भाजी। बहुत स्पेशल है जो भी देखिए हमारे मिट्टी से जुड़ा अगर कोई भी एक ऑनर हमें मिलता है तो हमारे लिए बहुत स्पेशल फील होता है हमें, जो क्योंकि अपनों से जब तारीफ मिलती है तो बहुत स्पेशल लगता है, तो इसी तरीके से पंजाबी आइकन अवार्ड का एक हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। नहीं सर, जहाँ अवार्ड मिलता है वहाँ चले जाता हूँ, उल्टा थी। नहीं बस वही है, फिर इसके बाद सुजीत सरकार जी के साथ शहीद उधम सिंह पे बायोपिक जो है वो शूटिंग शुरू होगी, और उसके बाद तख्त होगी करण जौहर साहब की, तो यही है इस साल। जी जी, देखो अवार्ड तो मैंने करता ही है लेकिन उससे ज़्यादा है कि हमें देख के, जैसे विक्की को देख के मैं खुश हो रहा हूँ, और मुझे देख के फैंस खुश होंगे, इनको देख के खुश होंगे, तो आज एक सारे पंजाबी इकट्ठे हुए हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग, बस यही है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। Yes, sir.
जी बहुत अच्छा, क्योंकि ये इसकी खास ही ये है कि मुंबई में हो रहे हैं, तो इसकी इसकी ज़्यादा खुशी इस चीज़ से कि मुंबई में हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे पंजाबी लोग रहते हैं और यहाँ पे पंजाबियों को जैसे बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं कि शाबाशें देने के लिए, उनको अच्छा बताने के लिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे अवार्ड्स होते हैं और हम यहाँ परफॉर्म करने आते हैं, अपनी पंजाबी कम्युनिटी को मिलते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। ओके, और साथ साथ में शादी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी जी, हम दो साल पहले भी आए थे यहाँ पे परफॉर्म करने मुंबई में वैसाखी पे, और इस दोबारा हमें मौका मिला है, मज़ा आता है क्योंकि मुंबई में जितने पंजाबी लोग हैं वैसे हम मिलते रहते हैं, जैसे हम कहीं पे शूट पे हो या एयरपोर्ट पे मिल लेते हैं, बट ऐसे शो करने का मौका बहुत कम मिलता है, स्पेशली पंजाबी कम्युनिटी के लिए जहाँ पे सिर्फ पंजाबी लोग आते हैं, तो ये वैसा शो है। तो हम हमारा तो पिछले 6 साल से शोज़ होते हैं पिछले 6 मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, और 6 साल से मोस्टली हम या तो शो कर रहे होते हैं या कहीं बाहर टूर पे होते हैं, बट हाँ वैसाखी पे अभी जैसे मुझे सबसे स्पेशल ये भी एक तरह का ऐसा है कि जब हम पंजाबी लोगों को मिलने जाते हैं, जैसे मुंबई के पंजाब के बाहर कहीं भी परफॉर्म करने का मौका मिलता है, तो थोड़ा और अच्छा फील होता है कि किसी स्पेशल ओकेशन पे ऐसे फेस्टिवल पे हम जा रहे हैं जिसको पूरा पंजाब को इतना दिल से मनाता है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि निकले ग्रंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने, और उसके बाद मैंने गाना करना था ये, तो बहुत सोच के बहुत दिल से गाना बनाया ये, सुरमा काला इसका टाइटल है और आज ही रिलीज़ हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, खुशी हो रही है और यहाँ पे आया हूँ ऑडियंस को सुना के जाऊँगा। भाई हर रोज़ ऐसी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन आपको जुड़ जाती है आपके साथ, तो उनको लगता है कि अभी अपना बंदा है, अच्छा इसका पिछला गाना ऐसा था, वो अगला गाना और अच्छा आना चाहिए, तो इसकी हमें खुद से टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि लोग ऐसे ना सोचना स्टार्ट कर दें कि यार इसका बस एक ही गाना आया था वो ही अच्छा था, तो जब भी कोई नया गाना तैयार करता हूँ मैं हमेशा यही ध्यान रखता हूँ कि वो पहले से ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी, कंगना के साथ मैं शूट कर रहा हूँ और अश्विनी मैम डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म, और थोड़ा लंबा हो गया है शूट मेरे लिए क्योंकि इतना लंबा मैंने कभी शूट नहीं किया, बट मुझे पता चला कि हिंदी फिल्मों का इससे भी बड़ा इससे भी लंबा शूट होता है, बट हम इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिल से बना रहे हैं फिल्म, और इसमें मैं एक्साइटेड हूँ अपनी लुक्स के लिए, मेरी फिल्म में 2-3 लुक्स हैं जो लोगों को पहली बार देखने को मिलेंगे, उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वो खुद चंडीगढ़ रह के आई हैं पहले, तो हमारी बहुत चीज़ें कॉमन हैं, बातें करते रहते चंडीगढ़ की, और बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अभी पीछे बहुत शोर चल रहा है, मैं सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कान में आती रहती है आवाज़, बट हाँ स्टेज पे जरूर सुना के जाऊँगा, अब सुन के जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।